अरे करमजलि, ये क्या है? मुझे नहीं खारी कर ये भिंडी रोटी। माँ जी, अब जो घर में रखा है वही तो बनाऊंगी मैं। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, समझी? मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर ला, मेरा तो करम ही फूट गए तो जैसी बहू पाकर। बेचारी सिमरन अपने आंसू पोंछती है, फिर घर में बचे थोड़े से बेसन से अपनी सास के लिए चीला बनाती है और खुद वो भिंडी रोटी खाती है। सिमरन का पति अभय भी सारा दिन आवारा गर्दी ही करता रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था, जिस कारण सिमरन को घर खर्च चलाने के लिए सिलाई का काम करना पड़ता था। आसपास की औरतें उससे ही कपड़े सिलवाती थीं। लो सिमरन भाभी, ये मेरे 3 नए ब्लाउज बना दो और ये तुम्हारे पहले के 500 रुपए। शुक्रिया भाभी। इस तरह लोगों के कपड़े सिलकर सिमरन घर खर्च चलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे रात दिन ताने देती थी। ससुराल में सिमरन की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी। ऐसे ही एक रोज सिमरन की छोटी बहन, जो कि बहुत अमीर थी, वो शहर में रहती थी। एक रोज उसे अपनी बहन सिमरन की बड़ी याद आती है। सिमरन दीदी से मिले हुए कितने दिन हो गए मुझे, उनकी बड़ी याद आ रही है। क्यों ना मैं उनसे मिलकर आऊं, साथ ही उनसे अपनी ननद के लिए लहंगा भी बनवा लूंगी। वैसे भी लहंगे बनाने में तो वो माहिर हैं। यही सोचकर रीना अपनी कार लेकर अपनी ननद के साथ सिमरन के गांव उसके गरीब घर पर पहुंच जाती है। रीना तू कितने दिनों बाद मैं तुझे देख रही हूँ, तो ठीक तो है ना मेरी बहन? हाँ दीदी, लेकिन ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, आपने तो खुद को पूरी तरह काम में ही झोंक दिया है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है बहन। अच्छा दीदी, मेरी ननद कोयल की सगाई है कुछ दिनों बाद जयपुर में, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमसे अच्छा लहंगा इसके लिए कोई नहीं बना सकता। सिमरन दीदी, मुझे अपनी सगाई में ना कुछ डिफरेंट पहनना है, जो किसी ने भी ना पहना हो, ऐसा कुछ डिफरेंट तरह का लहंगा। डिफरेंट लहंगा? हाँ, जैसे कपड़े, मोरपंख, पत्तों का लहंगा, ये सब तो आजकल नॉर्मल है, मुझे इससे कुछ अलग पहनना है। वैसे भी आप तो जानती हो मेरी सगाई जयपुर में है, जहाँ गर्मी खूब होती है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा पहनना है जिसमें मुझे गर्मी भी ना लगे और मैं फ्रेश फील करती रहूँ, कुछ अलग। अच्छा ठीक है, तो बस तुम मुझे 2 दिन का समय दो, मैं ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि तुम उसे देखते ही खुश हो जाओगी। 2 दिन तक वो दोनों सिमरन के घर पर ही रुकती हैं, जहां सिमरन उनकी मेहमान नवाजी के साथ साथ कोयल की सगाई के लिए लहंगा बनाने में भी लग जाती है। सिमरन के गांव में एक बर्फ का पहाड़ होता है, जिसकी बर्फ कभी भी नहीं पिघलती थी, वो वहाँ से बर्फ लाती है। फिर 2 दिन बाद वो उसके लिए बहुत ही सुंदर बर्फ का लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। देखो तो कोयल, ये लहंगा कैसा है? वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सच में दीदी, बर्फ का लहंगा तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अरे आपकी कारीगरी के आगे तो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर भी फेल हैं। वो दोनों उसको 50,000 रुपए उस लहंगे के दे देते हैं। ऐसे ही कोयल की सगाई का दिन भी आ जाता है और वो उस बर्फ के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। पार्टी में आए सब लोग उसके लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं, साथ ही मीडिया में भी उसके लहंगे के चर्चे हो जाते हैं, जिससे बड़े बड़े शोरूम के मालिकों की उसके घर में ऑर्डर देने के लिए भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में सिमरन की किस्मत बिल्कुल बदल जाती है, अब वो काफी ज्यादा अमीर हो जाती है, जहां नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते हैं और वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बन जाती है। अब उसकी सास और पति भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और वो भी उसके काम में उसकी मदद करते हैं और इस तरह वो अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती है। ये कहानी चेन्नई शहर के कॉलेज में दीपिका और अमन पढ़ाई किया करते थे। दोनों सेम क्लास में थे। एक दिन दीपिका अमन से कहती है, अमन क्या तुम्हारे साइंस के नोट्स पूरे हैं? हाँ मेरे नोट्स पूरे हैं। क्या आप मुझसे नोट शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दीपिका अमन से नोट लेकर अपना काम पूरा करती है।
इसी तरह से दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरह की मदद लेते रहते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया। वो दोनों कॉलेज की छुट्टी के बाद कभी पार्क में तो कभी मॉल में मिलने के बहाने घूमने जाया करते थे। ऐसे ही कॉलेज का फाइनल डे आ गया, तभी दीपिका अमन से कहती है, अब हम मिल नहीं पाया करेंगे। तो फिर चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? दीपिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब अमन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अमन अपनी माँ से कुछ कहता है, मम्मी मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? वो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? माँ, वो दीपिका ही है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अमन की मम्मी नाराज हो जाती है और उससे कहती है, वो सांवली लड़की तुम्हें पसंद आई, तुझे दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली क्या? मैं तेरी शादी उससे कभी नहीं करने दूंगी क्योंकि वो लड़की काली है और मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। माँ, मैं उससे भी शादी करूँगा वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। इधर दीपिका भी अपनी माँ से अमन के बारे में बात करती है। उसकी माँ भी दीपिका की बात सुनकर उसकी शादी के लिए राजी तो हो जाती है क्योंकि दीपिका सांवली है, उसके लिए सही लड़का ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी, इसीलिए दीपिका की माँ खुशी खुशी उस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। पर उन्हें उम्मीद नहीं होती कि अमन के घर वाले तैयार होंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी दीपिका की माँ अमन के घर जाकर उसके माँ बाप से बात करने के लिए कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दीपिका की माँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अमन के घर जाती है और अमन के घर वाले बच्चों की जिद के आगे ना मन से ही शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर अमन और दीपिका की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के बाद मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। सभी औरतें दीपिका के सांवले रंग होने की वजह से दीपिका का बहुत मजाक उड़ाती हैं और उसके सास से कहती हैं, नीतू तुम्हारी बड़ी बहू तो एकदम हीरा है और छोटी कोयला। तुम छोटी बहू को धूप में कम निकाला करो वरना इसका रंग और भी काला हो जाएगा। तभी सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर रूपाली बहुत इतराती है और हंसते हुए अपनी देवरानी से कहती है, अरे दीपिका तुम थोड़ा हल्दी बेसन लगाया करो, क्या पता तुम्हारे रंग पर भी कुछ असर पड़ जाए। शादी के बाद भी दीपिका की सास अपनी बड़ी बहू की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकती थी, जबकि दीपिका को वो लगातार ताने ही मारती रहती और खरी खोटी सुनाते रहती। तुम बार बार मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखती हूँ तो मेरा सारा दिन ही खराब हो जाता है। दीपिका बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती, ऊपर से अपनी सास और जेठानी के ताने भी सुनते रहती क्योंकि उसका रंग सांवला था। अरे रूपाली, तू घर का काम रहने दिया कर, एक ही तो सुंदर बहू है हमारी, अगर उसका भी रंग फीका पड़ गया तो? इसीलिए सारा काम इस काली बहू को ही करने दे। रूपाली सारा दिन खुद को सजाने संवारने और ब्यूटी पार्लर जाने में ही लगी रहती और दीपिका नौकरानी के जैसे घर का सारा काम करती रहती। दीपिका, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ और मेरी भाभी तुम्हारे रंग को लेकर पूरे दिन ताने देती रहती हैं, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप सहती रहती हो और कुछ भी नहीं कहती हो। अमन, उनको जैसा लगता है उनको कहने दो, पर मुझे बुरा नहीं लगता। एक रोज नीतू का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है जिससे उसके पैर में और हाथ में चोट आ जाती है और वो अपनी बड़ी बहू रूपाली को बुलाती है। बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। अरे मम्मी, मेरा भी पार्लर में अपॉइंटमेंट है और मैं वो मिस नहीं कर सकती, मुझे माफ करो मम्मी जी। और रूपाली कार लेकर पार्लर के लिए निकल पड़ती है। दीपिका भागते हुए आती है और अपनी सास को टैक्सी में बैठा कर हॉस्पिटल ले जाती है। वो अमन को भी फोन कर देती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपिका की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपकी बहू ने आपको सही समय पर हॉस्पिटल लाकर आपकी जान बचा ली और सही समय पर आपका इलाज हो पाया। कुछ ही देर बाद वो नीतू को लेकर घर आ जाते हैं।
घर आने पर दीपिका अपनी सास की बहुत सेवा करती है और रूपाली दिन रात अपने मेकअप और पार्टीज में बिजी रहती है। दीपिका अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उनके बाल भी संवारती है, उनके पैर दबाती है। ये सब देखकर नीतू का मन बहुत दुखी होता है और उसे खुद पर अफसोस होता है कि जिसे वो अब तक कोयला समझ रही थी वही तो असल में हीरा था। और बड़ी बहू रूपाली, जिसकी खूबसूरती को मैं हीरा कहती थी, वो तो कोयला निकली। अब नीतू को ये बात समझ आ गई थी कि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं बल्कि उसके मन से होती है और वो दीपिका को बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगती है। दीपिका भी अब अपने परिवार में सही मायने में सही से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। अमित अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी बेटी परी के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन अमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से सोनाक्षी ने रोड पर ध्यान ना देकर वो रोड पार करने लगती है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सोनाक्षी की मौत हो गई और अमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन अमित का एक दोस्त आया और उससे बोलता है, अरे अमित भाई, अभी हमारी परी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ मैं, क्या पता मेरी बेटी को वो अपनी बेटी के जैसा रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे अमित भाई, तुम अपनी बच्ची को माँ का प्यार और बाप का प्यार अकेले नहीं दे सकते, मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अमित का दोस्त वहाँ से चला जाता है और अमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके शकुंतला को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा परी, देखो ये तुम्हारी नई माँ आई है, आज से ये तुम्हारी देखरेख करेंगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है, ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं, धीरे धीरे करके शकुंतला अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी परी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन शकुंतला उससे पूरे घर का काम करवाती, कपड़े धुलवाती और बदले में उसे खूब मारती है। एक दिन परी अपने पिता से बोलती है, पापा पापा, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना इनके साथ पापा। इतने में शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और परी उसको देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। वही शकुंतला अमित से बोलती है, अमित जी, मैं उसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ जैसा ही नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल भी नहीं पा रही है। कोई बात नहीं शकुंतला, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं, शकुंतला को एक बेटी होती है और अब शकुंतला का परी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ अमित अब बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन शकुंतला की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे शकुंतला बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च ही क्यों करेगी? मेरी नज़र में एक लड़का है विराट, और वो बहुत अमीर है, उसके साथ ही तू परी की शादी करवा दे, उम्र भी ज्यादा बड़ा है लेकिन पैसा बहुत है, उसके दो बच्चे भी हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी परी। मैं तो कहती हूँ परी की शादी उससे ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लेना और अपनी जानवी की शादी बहुत ही अच्छे से घर में भी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो तू सही कह रही है, चल तू परी के लिए बात कर,
इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और परी की शादी विराट से तय हो जाती है। और कुछ दिन बाद परी की शादी विराट से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके दो बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी जानवी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। और ये बात जब परी को पता चलती है तब वो अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ देखो ना माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। नई माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया और आज मेरी शादी तो कहाँ चली गई माँ, अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके छोटे छोटे दो बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचती है, परी अब से ये बच्चे तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो, जो दुख तूने झेले हैं वो दुख इन बच्चों को मत होने देना, आज से तेरा यही घर और परिवार है। इतना कहकर परी उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है और ये सब देखकर विराट परी से बोलता है, परी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती, लेकिन तुमसे शादी करके इन बच्चों को एक माँ मिल गई और प्लीज इनको अपने साथ माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आज से ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों को बहुत खुश रखूँगी, इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये दुख मैंने झेला है, माँ का प्यार क्या होता है ऐसा इनके साथ मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ऐसे ही दो महीने बीत जाते हैं। वही शकुंतला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो सोचती है कि अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती, मैं अमित जी की देखभाल कैसे करूँगी। ऐसा करती हूँ कि मैं जानवी बेटी के पास चली जाती हूँ, वो मेरी अपनी बेटी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला जानवी के पास जाती है। जानवी अपनी माँ की बात सुनते ही उस पर चिल्लाने लगती है और गुस्से में कहती है, अरे माँ मुझसे अपने सास ससुर ही नहीं संभलते, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर पर वापस जाने लगती है। घर वापस जाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी परी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वो सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण शकुंतला रोड पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है, और वो कार जब रुकती है तो उसमें से परी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है, तो वो अपनी माँ को तुरंत अपनी कार में बैठा लेती है और घर ले जाती है और उनकी खूब सेवा करती है। और फिर शकुंतला के होश आने पर परी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो, और तुम्हारी ये हालत किसने करी है, और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल। परी का इतना प्यार देखकर शकुंतला को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए परी को वो सारी बातें बता देती है। उसके बाद परी अपने पिता को भी अमित घर ले आती है। परी अपने पति और बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसका ये प्यार देखकर शकुंतला रोते हुए परी से बोलती है, बेटा परी मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है, मुझे माफ कर दे बेटा, अगर कभी भी तूने मुझे अपनी माँ माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, विराट जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है माँ, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, और आप मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ना माँ। ये सब देख कर शकुंतला रोने लग जाती है और परी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। शादी का मंडप सजा हुआ था। किरण के पिता हरीश की आंखों में आंसू थे।
वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियाँ मांग रहे थे। आरव बेटा, ऐसे शादी के लिए मना मत करो, मेरी किरण की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा, इस लड़की का रंग सांवला है। आरव बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया था, फोटो में तो इसका रंग गोरा ही दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई, अब जो भी है, आरव अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे पर जोर नहीं देंगे। चलो आरव बेटा चलो। आरव शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज किरण की शादी दहेज के कारण नहीं बल्कि उसके सामने रंग के कारण टूटी थी। किरण के पिता ने किरण की शादी के लिए अपने गांव की जमीन को बेच दिया ताकि किरण की शादी में कोई कमी न रहे। हरीश किरण की खुशियां चाहता था, किरण के लिए हरीश उसका पिता और माँ दोनों था। किरण जब 5 साल की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था, तभी से हरीश ने अकेले ही किरण को पाल पोष कर बड़ा किया। किरण बेटिया कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, किरण बिटिया, किरण बिटिया। पापा क्या हुआ, आपको लगा मैं कहीं कुछ कर ना लूं? नहीं पापा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है, मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूं। पापा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस गांव चले जाएंगे। पापा तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसी की याद दिलाता था, इसीलिए मैं तुझे लेकर शहर आ गया। बिटिया तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है, चल बिटिया अब अपने गांव चलते हैं। किरण अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते हुए आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में हरीश फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बैठो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। किरण बिटिया पहले ही बहुत देर हो गई है, काम पर जाना भी तो जरूरी है ना, मैं चाय शाम को पी लूँगा, अभी मैं जाता हूँ, आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। पापा आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने, और आप जानते हैं ना कि मुझे नाव चलानी बहुत अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और मुझे रोकना मत, आपको पता है ना मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। किरण हरीश को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने के लिए चली जाती है, पर किरण जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी तभी, कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ। अरे ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। किरण डूबते हुए लड़के को बचा लेती है, लड़का बेहोश हो गया था। किरण लड़के को देखकर चौंक जाती है, ये तो आरव जी हैं, ये यहाँ पर? हम दोनों यहाँ घूमने के लिए आए थे, अचानक आरव का पैर फिसल गया और ये नदी में डूबने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं, मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। किरण बिटिया तू जानती है ना, ये वही आरव है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था, और तू उसे घर ले आई, अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना, मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताज़ा हो जाएं। आरव को होश आ जाता है, वो भी किरण और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। आरव मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया, आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किरण, तुमने मेरी जान बचाई, अब मुझे चलना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। आरव 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिरने लगता है। देखिए अभी आप इस हालत में नहीं हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे, आपके सर पर पत्थर लगा था जिसकी वजह से जख्म है,
जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ पर रह सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। किरण बिटिया, तुमने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? जानती है, तू जितना आरव को देखेगी तुझे उतना दुख होगा। पापा, आप ही तो कहते हो मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी आरव के जख्म ताज़ा हैं, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। किरण का स्वभाव और सेवा भाव देखकर आरव बहुत शर्मिंदा होता है। उसने किरण के साथ इतना बुरा किया, उसके सामने रंग के कारण उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया और आज वही किरण उसकी इतनी सहायता कर रही थी। आरव को वहाँ रहते 2 दिन बीत चुके थे। आरव, किरण तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, तूने उसके साथ बहुत गलत किया है यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफ़ी मांग ले और शादी के लिए मना ले। मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है, मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है यार, अब किस मुंह से माफ़ी मांगूं? आरव अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी हरीश की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। किरण, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। पापा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी, वहाँ अच्छे से हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम चिंता मत करो पापा। किशन, तो एक एम्बुलेंस बुक कर, हम आज ही किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। आरव किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुँचता है। किरण के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और समय पर इलाज हो जाने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। किरण, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ठीक हैं, अपने आंसू पोंछ लो। हरीश को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। अरे बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पापा, आप ठीक हो? मेरे लिए इससे बड़ा प्राश्चित कुछ और नहीं होगा, मेरा एक प्राश्चित और है, मुझे एक प्राश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं आपसे किरण का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे किरण से अच्छी लड़की कोई और मिल ही नहीं सकती, किरण लाखों में एक है। किरण, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दी, तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। और फिर कुछ ही दिनों बाद आरव और किरण की शादी हो जाती है और किरण का जीवन खुशियों भरा हो जाता है।